ओके सो हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का इस क्लैश ऑफ क्लैंस के नए वीडियो में। तो फिर गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूँ अपने ही क्लैन जो कि हमारा क्लैन एंड है। तो फिर गाइस, मेरा जो क्लैन था उसके अंदर लास्ट 2 डेज पहले थे केवल 25 बंदे। और गाइस, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उस वीडियो को बनाने के बाद मेरे क्लैन में सडनली 2 दिन के अंदर अंदर पूरे 50 बंदे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ऐसे मुझे नहीं पता ये मेरे वीडियो के कारण बंदे क्लैन में ज्वाइन हो रहे हैं किस वजह से, बाकी जो कुछ भी हो, आज से गाइस 2 दिन पहले मेरे जो क्लैन था वो ओपन था हर एक बंदे के लिए। और अब गाइस ये नौबत आ चुकी है कि मुझे इनवाइट ओनली मजबूर में करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे इन्विटेशन आ रहे थे क्लैन के अंदर। अब जो गाइस जो पहली आईडी है वो गाइस मेरी ही आईडी है किंग, ये हमारा फ्रेंड करण, ये आकाश गाइस मेरी आईडी है, मिस्टर सिवन 26 ये मेरा बेस्ट फ्रेंड करण, ये एक्चुअली करण की सेकेंड आईडी है, ये अपने आर्यन भाई, फिर ये बंदा है किंग सौरभ। ये बंदा गाइस जब हम लोगों ने नया क्लैन बनाया था तभी से ये बंदा ज्वाइन हुआ है। फिर एक बंदे की मैंने आपको आईडी दिखाई थी कांस, फिर एक ये आईडी है मोनू। ये जो गाइस मोनू आईडी है वो एक्चुअली करण की ही अपने थर्ड आईडी है। तो इस तरह से गाइस जो 6-7 आईडी है वो मेरे क्लैन की मेन आईडी है। और गाइस हमारे जो 9 की स्ट्रीक थी वो जा चुकी है क्योंकि हम जो हमारी लास्ट वॉर हार चुके हैं जो थी मुंबई किंग्स के सामने। तो फिर गाइस ये था हमारा मैप और इस मैप में हम लोग हार गए थे ये वॉर केवल 3 स्टार से। तो कोई बात नहीं गाइस, वॉर है जीतते रहते हैं हारते रहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस हमारा ये जो है एक नया वॉर हमने स्टार्ट किया है और मुझे मालूम है मेरे क्लैन के कोई भी बंदे ने अब तक वॉर में अटैक नहीं किया होगा। अरे यार ये क्या हो गया गाइस, मेरे क्लैन के सारे बंदों ने अटैक मार दिया है और गाइस मार मार इन लोगों ने मेरे लिए एक बेस छोड़ा है जी, उसके ऊपर भी मैंने टारगेट क्लेम नहीं किया है, किसी और बंदे ने जो उसके ऊपर टारगेट क्लेम किया है। मैं आप गाइस सही में बता रहा हूँ मेरे क्लैन जैसे हराम में ढूंढे हैं ना कोई और क्लैन में आपको मिल ही नहीं सकते। वो तो गाइस मैंने एक अटैक वॉर के स्टार्टिंग में मार दिया था वरना मुझे अपना दूसरा अटैक ऐसे बर्बाद देना पड़ता। तो गाइस अब हम लोग मारेंगे उस बेस पर अटैक। ये है गाइस मेरी आर्मी जो है कि विथ स्लैप। गाइस विथ स्लैप मेरी जो फेवरेट आर्मी में से एक है, इस आर्मी को मैं हर एक वॉर में यूज़ करता हूँ। और गाइस इस आर्मी के लिए हमें चाहिए होंगे बॉलर्स, तो चलिए गाइस बॉलर्स मांगते हैं फटाफट से। भोसड़ी के औकात में रह ले, खाल में रह ले। तो फिर गाइस हमें मालूम है कि हमें मैक्स लेवल के तो वैसे भी हमें बॉलर्स नहीं मिलेंगे, तो फटाफट गाइस रिक्वेस्ट कर देते हैं। अब मैं गाइस आपसे मिलता हूँ सीधा डोनेशन मिलने के बाद। तो फिर गाइस हमें यहाँ पर हमारे बॉलर्स मिल चुके हैं जो कि हैं लेवल 2 के 5 बॉलर्स और एक लेवल 2 का पॉइजन। अरे यार गाइस ये नेटवर्क मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा है आज, मेरा मालूम नहीं नेटवर्क क्या करवा के मानेगा आज, जिसकी वजह से गाइस थोड़े फ्रेम रेट्स भी गिर रहे हैं। ओके सो गाइस हमारा नेटवर्क वापस आ चुका है और ये रहा हमारी स्ट्रेटजी, सॉरी हमारी आर्मी। अब मैं देखता हूँ एक्चुअली में बेस है कौन सा, वो ये रहा गाइस हमारा बेस जिस पे हमें अटैक मारना है। अरे गाइस ये तो गाइस एकदम बच्चों जैसा बेस है, तो देखते हैं हम लोग गाइस यहाँ पे किस किस साइड से अटैक मारेंगे। मैं सोच रहा हूँ गाइस साइड से विचेस छोड़ूंगा, पीछे से गोलम और अपने जितने भी ट्रूप्स हैं वो सब छोड़ दूंगा। मैं अटैक स्टार्ट करूंगा राइट साइड से क्योंकि उसी साइड जो हमारा क्लैन कासल है। तो अटैक गाइस स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो फिर अब गाइस स्टार्टिंग में हम यहाँ पे छोड़ेंगे बिचेस, 3 बिचेस, बिचेस के पीछे 2 हीलर, फिर इस साइड भी 3 बिचेस, बिचेस के पीछे फिर से 2 हीलर, 1 गोलेम। गोलेम हमारा गलत गया पर कोई बात नहीं। पीछे से बॉलर, पीछे से 2 विजार्ड फनलिंग क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइजन, हमारे हीरोज पीछे से आते रहेंगे। एक हमें चाहिए होगा यहाँ पर जंप स्पेल ताकि हमारे ट्रूप सीधा का सीधा जावे अंदर। ड्रैगन के जाते ही हमने यहाँ पर एक रेच किया, फटाफट से हमारे बॉलर सारी चीज़ें अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर एक हील,
किंग की एबिलिटी बाहर, जो अपोनेंट का किंग है वो विचिस के हाथों ही मर जाएगा मेरे हिसाब तक। इनकी एबिलिटी और ये इजी गाइस परफेक्ट 3 स्टार होगा, जाता है कि बहुत इजी बेस लग रहा है। अभी भी मेरा एक हील बचा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ वो हील कहाँ पर यूज़ करूँ। अभी गाइस ये चला गया, अभी क्या क्या बचा है, 60-71% बेस हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पर एक हील कर देता हूँ बोलस के लिए। अभी हमारी क्वीन की एबिलिटी भी बाकी है पूरी तरीके से, लगता नहीं इस बेस पे क्वीन की एबिलिटी की ज़रूरत है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिफेंसेस क्लियर हो चुके हैं। खाली एक हिडन टेस्ला जो कि एक है लेवल 3 का और एक आर्चरी टावर बचा हुआ है, तो चलो। और ये परफेक्ट गाइस 3 स्टार। वैसे तो गाइस ये जो है मैक्स बेस था नहीं, तो इसलिए बहुत ईजी था 3 स्टार लाना इसके ऊपर। पर गाइस आने वाले वीडियो में आपको मैक्स TH9 बेसिस पे भी 3 स्टार लाकर दिखा दूंगा। तो फिर गाइस ओवरऑल गाइस हमारे स्टार्स हो चुके 27 और 12। तो फिर गाइस और ये देखो गाइस ये हमारा क्लैन है। अगर गाइस आपको क्लैन में ज्वाइन होना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। यही था गाइस आज के पूरे कंटेंट के वीडियो में, मेरे को एक्चुअली बताना था कि हमारे साथ क्या हुआ, हम हमारी वॉल स्ट्रीक किस तरह से हार गए। हमारी गाइस वॉल स्ट्रीक जाने के बाद गाइस कोई बात नहीं, हारना जीतना होता रहता है।